राज्य में सामान्य थी भारे वरसाद हवामान विभागे आगाही करी छे। तो उत्तर मध्य गुजरात में हलवा थी भारे वरसाद आगाही कराई छे। बे दिवस उत्तर मध्य गुजरात में वरसाद की शक्यता छे। हवामान विभाग ना कहेवा मुजब सौराष्ट्र में सामान्य वरसाद रहेशे अने पाटण छोटाउदेपुर बनासकांठा में हलवा थी भारे वरसाद की आगाही कराई छे। तो वडोदरा साबरकांठा दाहोद में हलवा थी भारे वरसाद की आगाही छे। जयरे महेसाणा महिसागर में हलवा थी भारे वरसाद की आगाही कराई छे। हवामान विभाग ना कहेवा मुजब हजू पण राज्य में 18% वरसाद की घट छे। अगले 5 दिन में गुजरात रीजन में हल्की से मध्यम तर बारिश काफी सारे जगहों में होने का संभावना है, काफी सारे स्थानों में होने का संभावना है और कहीं कहीं जगहों में भारी बारिश भी होने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ एक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, भारी बारिश होने का सौराष्ट्र में संभावना ज्यादा नहीं है। एक आध जगह में कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है लेकिन मोस्टली भारी बारिश होने का संभावना नहीं है, लेकिन गुजरात रीजन में रहेगा भारी बारिश होने का संभावना है। लोग फिर एक आध जगह में रहने का संभावना है। मोस्टली जो बड़ोदरा छोटा उदयपुर पंचमहल दाहोद इन बनासकांठा साबरकांठा पाटन अरावली महिसागर ये सारे जगहों में स्थानों में एक स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। कारण क्या रहता है? एक सर्कुलेशन है ईस्ट राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरिया में, सर्कुलेशन की वजह से मोस्टली नॉर्थ गुजरात ईस्ट सेंट्रल गुजरात में बारिश रहेगी और बड़ोदरा जैसे छोटा उदयपुर वो साउथ गुजरात में जाता है, छोटा उदयपुर में भी होने का संभावना। अहमदाबाद में मध्यम तरह बारिश रहेगा, मध्यम बारिश मतलब मॉडरेट रेन रहेगी और गांधीनगर में भी मॉडरेट रेन रहेगी और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होगी, थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी दी गई है। और मैडम डेफिसिट कितना है? अभी डेफिसिट है 18% डेफिशिएंट है जो कि नॉर्मल में गिना जाता है। गुजरात स्टेट आज होल अभी तक नॉर्मल है रेनफॉल। अभी अगले 5 दिन में फिशरमैन वार्निंग नहीं है गुजरात स्टेट।